अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ही सुहाना था, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो सोचा कहीं घूमने चले जाएं। तो हमने यहाँ से ऑटो लिया और हमने प्लान बनाया कि आज हम KFC जाएंगे। ये ऑटो वाला बड़ा ही नखरेलू था, उसने पैसे ही बहुत ज़्यादा मांग लिए थे, फिर भी हमने अपनी रेंज के हिसाब से उसको मना ही लिया था। फिर भी सारे रास्ते में से जान कोई नहीं छोड़ी कि बीबी आपने पैसे कम दिए हैं। हमने कहा चलें ठीक है, जो भी हो गया बस हो गया, अब छोड़ आए आप हमें। तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन KFC। तो आखिर हम KFC पहुंच गए। हमारे और KFC के दरमियान दो कुत्ते थे, जो कि हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि इनको आगे से हम गुजर जाएं। KFC पहुंच कर सबसे पहले हम तो वॉशरूम में गए, वहां पर हम फ्रेशअप हुए, हमने अपने बुरके शुरके उतारे और वहां पर हम तैयार हुए और साथ ही हम अपना ऑर्डर ले आए। KFC वालों ने तो वैसे ही लूट नहीं रखा हुआ सबको, हमें मज़ा आया था। इधर बाहर आए तो हमने सोचा हम अपनी पिक्चर्स क्लिक कर ले, तो ये सब अपनी अपनी पिक्चर क्लिक करने लगी थी और मैं इनकी मिनते तरले कर रही थी, मेरी भी बना दे, मैं भी आई हूँ आप लोगों के साथ। अपना फोटोशूट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा अब हम घर जाना चाहिए, इससे पहले कि घर वाले भी हमें ठुड्डे मार के बाहर निकाल दें। हमने अपने बैग में से जितने भी चिल्लर थे निकाले कि रिक्शे का किराया है कि नहीं, क्योंकि KFC वालों ने तो हमें लूट लिया था सारा ही। बट एटलीस्ट हमारे पास 290 रुपीज़ थे। हम KFC से बाहर गए तो फिर हमें सामने एक पार्क नज़र आया, तो हमने सोचा चलो एक एक झूला ले लेते हैं, कोई बात नहीं इतनी दूर आए हैं को तो कम अज़ कम एक झूला तो हमें लेना ही चाहिए। तो मगर जब हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एंट्री टिकट ही 250 थी, तो ये एंट्री तो हमारी कार से बाहर ही थी। हम वैसे ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और हमने कहा अब रिक्शे में ही बैठना बेहतर है। तो हम रिक्शे वाले से बात करने गए थे और फिर उसने कहा कि हम 350 लेंगे, फिर हमने इसको मना करके फिर 3-4 रिक्शे से और बात की, तो फिर आखिरकार हमें हमारी रेंज के हिसाब रिक्शा मिल गया और हम वापसी की तरफ।